हेलो भाई, आज हम लोग सैर करने के लिए निकले हैं अपने IIMT कैंपस में। और इस कैंपस के शानदार आज हम लोग ट्रेनिंग पर्पज से अपने IIMT कैंपस में मुआयना करते हुए क्षेत्र का और यहाँ की घुड़सवारी का आनंद लेते हुए मैदान में। बाकी आप सब देख रहे हैं, इधर गेहूं की खेती है, एग्रीकल्चर के लिए है, जो एग्रीकल्चर बच्चे भी है। हैं एग्रीकल्चर। आगे अभी चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि हनुमान जी की मंदिर भी है यहाँ पे, जो बड़ी भव्य एवं शानदार तरीके से है। ये हमारे मित्र आओ। दिलीप यादव, भारत समाचार पत्रकार, हेड ऑफिस लखनऊ। और बाकी आप सब देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और टॉपिक बताते रहिए, हम आप लोगों को बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, पूरा और मुआयना करते हमारे रहेंगे भारत क्षेत्र का। समाचार के बीम्स है, उसमें जितने लोग जुड़ना चाहें बच्चे, वो अपना आके अपना जुड़ सकते जुड़ हैं, पढ़ सकते हैं, सकते पढ़ हैं, सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते पत्रकारिता कर हैं, सकते हैं उसमें। अपने जीवन को भविष्य बना सकते हैं। और हमारे मार्गदर्शक हैं पवन सर, डॉक्टर पवन सर सिंह नाम है उनका। पवन सर जो गुरु हैं, वैसे गुरु नहीं मिलेंगे यहाँ। हम लोग उन्हीं के जैसे गुरु मिले, जो उनका नाम है डॉक्टर अमित सिंह जी, जो हमारे गोरखपुर साइड से हैं, बनारस साइड से। और हम लोग पूरा आपको दिखा रहे हैं कितना लंबा कैंपस और क्षेत्र है, एकदम पूरा काम चल रहा है, ट्रैक्टरों से बुआई हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, गेहूँ की बुआई हो चुकी है और इस समय कार्य चल रहा है कैंपस का। अब हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर जी के पास। आप सबको दिखाते हैं भव्य मंदिर एवं भव्य स्मारक हनुमान जी का। यहाँ का यूनिवर्सिटी सबसे फेमस है। अब आपको देख सकते हैं कि हनुमान जी की शानदार मूर्ति लगी हुई है, एकदम ऊंची मूर्ति है। जय हो बालाजी, जय हो बजरंग बली, जय बजरंग बली। ये देखिए बालाजी की मूर्ति, बजरंग बली। आप देख सकते हैं बालाजी की मूर्ति है, जय हो बालाजी, जय बजरंग बली, जय हो। हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ अंत में आके IIMT कैंपस में अपने हनुमान जी का। इसीलिए आज के ब्लॉक में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉक में आप सबसे। विद्यालय दिखा दिया, यूनिवर्सिटी यहाँ का, ये विश्वविद्यालय की सारी ये बिल्डिंग है। वहाँ से यहाँ पे हर चीज़ें हैं, यहाँ बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं, यहाँ बच्चे सीखने आते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं। और जैसे कि हमारे भारत समाचार द्वारा यहाँ भी बच्चे आते हैं IIMT, जो यहाँ से कुछ सीख के ही आते हैं। और हमारे यहाँ भारत समाचार में बीम्स है, जो कि हमारे उसके हैं गुरु कौन सर, जिनका बहुत भरपूर सहयोग और आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। और ये बच्चे जो एग्रीकल्चर से करते हैं, उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे यह झंडी उंडी लगा हुआ है, सारा चीज़ें, ये जितने मतलब पढ़े लिखे हैं एग्रीकल्चर खेती करना चाहते हैं, वो अपना आके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे। ये सारा IIMT का है, जितना लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इनके पास संपत्ति है। हर विभाग के लिए यहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है। ये टोटल जितना है, ये मेरठ का गंगानगर है IIMT। यहाँ पहले डिग्री कॉलेज था, अब जाके ये यूनिवर्सिटी के रूप में बदल गया। वहाँ जहाँ से बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वहाँ से लेके यहाँ पूरा ही जितना है इनका है, इसमें हर विभाग है। यहाँ आपको जो भी मतलब कि पढ़ना हो या आपको जो भी ट्रेनिंग लेना हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ आके सबसे खूबसूरत लगता है यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का है, जो सजावट और यहाँ पे जो सुविधा है, यहाँ देखने के लिए जो अपने यहाँ नहीं मिलता है, पेड़ पौधे फूल जो बाहर विदेशों में हर जगह पाई जाती हैं, वो चीज़ें हैं। जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा था, ये तेजपात, तेजपात होता है ना, तेजपात का पेड़ देखा था हम लोगों ने उस दिन, पत्ता जो फला हुआ है वहाँ, लगा फल लगा हुआ है उसका, और पत्ते वो भी देखे थे। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ भी काम चल रहा है,
जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले में हैं, ये बच्चे यहाँ भी आते हैं, अपना खुद का ये करते हैं। यहाँ पे भी वहाँ बच्चे हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। आज का ब्लॉग इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लिप, हाय, हेलो, बाय बाय। यहाँ पे सारी सिस्टम है, झूला से लेके बच्चों के लिए यहाँ चलना, आर्मी जैसी ट्रेनिंग, यहाँ सब फैसिलिटी है यहाँ पे। बाय।